जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। शिवपुराण से जाने कि जो लोग अपनी पूजा में या अपने पूजा के मंदिर में शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं, महादेव की पूजा नहीं करते हैं, उन्हें अन्य भगवान की पूजा करने का कितना बड़ा फल मिलता है। भगवान महादेव आदि और अनंत हैं, जब इनकी कृपा हो जाए तो सभी देवता कृपा की बरसात कर देते हैं। शिवपुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है कि जिनके मंदिर में शिवलिंग नहीं है या बिना शिवलिंग की पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो उनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती, उनकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है। उस व्यक्ति का किया गया दान आदि कर्म भी व्यर्थ चला जाता है जो बिना महादेव यानी बिना शिवलिंग की पूजा किए बिना और पूजा करते हैं। इसीलिए तो राम जी आए तो रामेश्वर की पूजा की, वैसे भी तो राम जी महादेव का अभिषेक किए बिना जल ग्रहण नहीं करते। कृष्ण आए तो वो भी गोपेश्वर की पूजा करते हैं और गोपेश्वर प्रकट हुए थे। तो जब स्वयं नारायण ने भगवान महादेव को माना है तो हम आप क्यों न माने। मानो भले ही राधा कृष्ण की पूजा करे, सीताराम की पूजा करे, किसी भी भगवान की पूजा करे, पर भगवान महादेव की पूजा के बिना वो रह ही नहीं सकता, उसकी पूजा पूरी मानी ही नहीं जाती है। क्योंकि कृष्ण यदि हमारे बाप हैं तो महादेव हमारे बाप के भी बाप हैं, यानी हमारे दादा हैं, और रोते हुए पोते और पोती को दादा गले से लगा लेता है, फिर कैसे आंसू पोंछता है। तो महादेव को अपना दादा मान लो और सच मानिए, जो शिव के चरणों से जुड़ा है उसकी मौत बिगड़ नहीं सकती, उसका जीवन नहीं बिगड़ सकता। इसीलिए तो स्वयं नारायण कहते हैं, जो शंकर को नहीं मानता उसे मेरी भक्ति कभी नहीं मिल सकती। आप सब रामायण पढ़ते होंगे, उसमें राम जी स्पष्ट कहते भी हैं कि शिव मम द्रोही दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। अर्थात जो शिव को नहीं मानता, शिव को अपना शत्रु समझता है, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान शंकर को मानिए, उनकी पूजा कीजिए। वर्णन किया गया है कि जिनके घर में शालिग्राम भगवान महादेव के बगल में रखकर पूजे जाते हैं उसका घर तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। ऐसी जगह पर सब देवता स्वयं चलकर आ जाते हैं। वर्णन किया गया है कि जो बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, रोली, चंदन, चावल और पुष्प चढ़ाते हैं, वो व्यक्ति मरने के बाद शिवलोक को तो जाता ही है, पर जब तक धरती पर रहेगा तब तक उसकी संतान उसे सुख की अनुभूति कराएगी, उसकी संतान उसे कभी धक्का देकर घर से बाहर नहीं करेगी, संतान का सुख मिलेगा। ऐसा विदेश्वर संहिता के 22 नंबर अध्याय के श्लोक नंबर 27 में ऐसा वर्णन किया गया है। हर हर महादेव।